नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई टाटा सफारी का टेस्ट ड्राइव रिव्यू। ये एक ओनर रिव्यू है, तो इसमें दोस्तों मैं नई टाटा सफारी का जो अपने साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। चूँकि काफ़ी दिनों से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो हालाँकि अभी ज़्यादा नहीं चली है, करीब 500 किलोमीटर ही गाड़ी चल पाई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसी है, और मैं आपको पहले बता देता हूँ ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो XZ प्लस वेरिएंट है वो है, तो टॉप वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो गाड़ी है जितनी बाहर से बड़ी दिखती है चलाने में जो है इतनी कठिन नहीं लगती। मतलब कहने का ये ऐसा नहीं लगता कि आप जो है कोई भारी भरकम गाड़ी चला रहे हैं। तो सिटी ड्राइविंग में मैंने जो है इसको काफ़ी चलाया और सिटी ड्राइविंग कंडीशन में जो है मैंने देखा कि इसको चलाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें 2 लीटर का यानी कि 2000 cc का इंजन मिलता है, टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो कि 170 bhp जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क निकालता है ये इंजन। और जैसे ही हम फर्स्ट गियर में इस गाड़ी को उठाते हैं तो अगर आपने थोड़ा सा भी जो है क्लच जल्दी छोड़ दिया तो तुरंत बंद हो जाती है। अगर फर्स्ट गियर में जो है ना पिकअप बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का, एकदम से उठती है गाड़ी। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो इसका आइडल RPM है वो कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा सेट होकर आया है, इस वजह से भी शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे ही मैं क्लच छोड़ता हूँ तुरंत ही जो है ये एकदम से उठती है, ठीक है। और जब आप इसको हाईवे पे चलाएंगे तो स्टेयरिंग फीडबैक भी बहुत अच्छा है और जो सस्पेंशन है, स्पेशली मैं सस्पेंशन के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। सस्पेंशन ऐसे है दोस्तों कि छोटे छोटे गड्ढे भी होते हैं ना वो फील होते हैं अंदर, यानी कि जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा कड़क है। और इसका जो फ़ायदा है वो आपको हाई स्पीड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने सस्पेंशन हार्ड होंगे उतनी हाई स्पीड में गाड़ी स्टेबल रहेगी। हालांकि सिटी ड्राइव में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट होना चाहिए थे, क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे हैं जो वो भी आपको फील होते हैं। बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन की तो काफ़ी स्मूथ जो है गियर सेफ्टी इसका, आपको जो है ऐसा लगेगा नहीं कि टाटा की गाड़ी चला रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। और जो ट्रांसमिशन है इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि इस वेरिएंट में टाटा का खुद का जो है ट्रांसमिशन है और जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है तो वो हुंडई से टाटा ने सोर्स किया है। तो ट्रांसमिशन वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है तो वो और भी बेहतर परफॉर्म करता है इसके मुकाबले। हालाँकि मैंने उसको चलाया नहीं लेकिन ऐसा मैंने सुना है। और मैं आपको बता रहा था कि इंजन जो है ना आपको 170 bhp जनरेट करता है ये इंजन, तो थोड़ा सा मुझे नॉइजी भी लगता है। और ये नॉइजी कब तक रहता है, जब तक आप जो है 80 तक की स्पीड में आप चलाएंगे, उसके बाद क्या है टायर नॉइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसके बाद इंजन नॉइज जो है वो कम आने लग जाती है। और जो इनिशियल पिकअप है, जो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं ओवरटेक करना है तो 1500 rpm के बाद जो है ज़बरदस्त पिकअप इसमें आपको देखने को मिलता है। चूँकि इसमें अलग अलग ड्राइव मोड भी दिए गए हैं, क्योंकि इसमें जो है स्पोर्ट मोड में आपको मिल जाता है, इको मिल जाता है, नॉर्मल मोड मिल जाता है, साथ ही जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी मिल जाता है अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। और ये जो ट्रांसमिशन है 6 speed का आपको देखने को मिलता है, तो आराम से जो है 100-120 की स्पीड में आप इसको चलाएंगे तो आपको कुछ भी जो है ज़्यादा फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा नहीं गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन, इंजन और जो सस्पेंशन है उसके बारे में मैंने बता दिया। स्टेयरिंग का फीडबैक ऐसा है कि ये जो स्टेयरिंग है काफ़ी लाइट रहता है और हाई स्पीड के साथ साथ जो है और भी ज़्यादा लाइट हो जाता है। ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप इसको हाई स्पीड में जब चलाते हैं तो स्टेयरिंग थोड़ा सा जो है टाइट होना चाहिए ताकि गाड़ी में ऐसा लगे कि आपकी कमांड जो है अच्छी है, तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है ये 100 के बाद, बाकी कोई इशू नहीं है। नाइट ड्राइविंग में दोस्तों मैंने देखा कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो LED और जो नॉर्मल जो हेडलाइट है जो कि आपको देखने को मिलेंगी, इसमें हाई बीम जो है कन्वेंशनल हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है और जो लो बीम है वो आपको
एलईडी प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया है और जो हाई बीम है वो भी अच्छी है, फॉग लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जो है लाइट थोड़ी सी कम है। आपको पता है कि मैंने ऑल्टो को बहुत चलाया है तो मुझे थोड़ी ऑल्टो से लाइट कम लगी, आपको सही बताऊं, क्योंकि मेरी ऑल्टो में प्रोजेक्टर लगे हैं हेलोजन वाले हेला के, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरी ऑल्टो की लाइट थोड़ी अच्छी है इसके मुकाबले। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, आप सोच रहे हो कहाँ ऑल्टो से इसको कंपेयर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, मेरे को जो लगा एक्चुअल में मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो हेडलाइट जो है थोड़ी सी मुझे वीक लगी, हालांकि इसमें आप HID वगैरह डलवा लेंगे तो हम भी देखते हैं HID डलवाएंगे तो उसके बाद जो है थोड़ा सा लाइट जो है अच्छी हो जाएगी, विजिबिलिटी रात में अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हेडलाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और माइलेज की अगर बात करें तो ये जो है अभी तक मैक्सिमम 13 तक का जो है माइलेज निकाल के दे रही है MID में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी गाड़ी हमने ज़्यादा चलाई नहीं है सिटी में और जो है हाईवे पे ही चली है गाड़ी, ज़्यादातर जो है ऑफ रोडिंग में भी चली है गाड़ी, तो ज़्यादा हमने गाड़ी चलाई नहीं है, तो अभी माइलेज जो है मैं आपको कुछ दिन बाद और बताऊँगा। और कंफर्ट की बात करें दोस्तों, तो कंफर्ट इसमें जो है ना बहुत ही शानदार है। मैंने ओल्ड सफारी भी चलाई है, स्कॉर्पियो वगैरह भी चलाई है, इस सेगमेंट की और गाड़ियाँ चलाई है, तो कंफर्ट की अगर बात करें तो मैं इसको जो है 10 में से पूरे 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इसमें आपको ड्राइवर साइड जो है सीट मिलती है, ड्राइवर सीट जो मिलती है वो पावर एडजस्टेबल मिलती है, लेदर सीट मिलती है। हाँ, एक नंबर मैं इसलिए काटना चाहूँगा इसका, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी इसमें जो है वेंटिलेशन सीट्स नहीं मिलती हैं आपको, तो ये एक इसकी कमी है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो वेंटिलेशन सीट होती तो थोड़ा सा और अच्छा होता, हालांकि लेदर सीट है तो इसमें आप जो है ना सीट कवर भी नहीं लगवा सकते। एक्चुअल में लेदर सीट में तो लगवा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपने आपको जो है ना एयरबैग मिलते हैं, इसलिए आप जो है इसमें सीट पर सीट कवर भी नहीं लगवा सकते। तो हम यहाँ से टर्न ले लेते हैं, यू टर्न। बाकी हाई स्पीड में गाड़ी काफ़ी स्टेबल है, आप कितना भी भगाइए आपको ऐसा लगेगा नहीं कि गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है। और इसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं हैरियर के मुकाबले, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस गाड़ी की कि इसमें आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जिससे ब्रेकिंग जो है इसकी थोड़ी बेहतर हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, सिटी में चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, ऐसा लगता नहीं है, मैंने सिटी में इसको चलाया ऐसा लगता नहीं कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी ईजिली जो है आप इसको सिटी में चला सकते हैं। और लुकिंग वाइज तो आपको पता ही है, लुक काफ़ी अच्छी लगती है सामने से गाड़ी ये देखने में। और मैं और भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, मैं सारी जानकारी बताऊँगा कि ये जो गाड़ी है हमने क्यों सिलेक्ट की है, और जिस बजट में ये गाड़ी आती है इसके जो कॉम्पिटिटर हैं MG हेक्टर, सेल्टोस या क्रेटा, तो उनसे ये कैसे बेहतर है ये भी मैं आपको बताऊँगा। हालाँकि MG हेक्टर जो है उसमें आपको थोड़े ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, बट इंजन आपको यही मिलता है। एक्चुअल में इसमें जो इंजन मिलता है वो फीएट का मिलता है, फीएट का इंजन है जो कि MG हेक्टर और जीप की कंपास में आपको देखने को मिलता है, तो वही इंजन है। हालांकि इसमें गियरबॉक्स अपनी अपनी कंपनी जो है अपने अपने हिसाब से लगाती है और थोड़ा सा ट्यून भी अलग अलग तरीके से करती है। तो अभी हाल फिलहाल जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस गाड़ी के साथ वो मैंने आपको बता दिया, बाकी कम्फर्ट वाइज काफ़ी अच्छी है, 7 लोग आराम से बैठ जाते हैं, ये 6 सीटर वेरियंट है और 7 लोगों के साथ भी गाड़ी जो है बहुत अच्छी चलती है। बस सस्पेंशन ऐसा लगता है कि छोटे छोटे जो टचके हैं जो गड्ढे हैं वो भी अंदर फील होते हैं, लेकिन हाई स्पीड में आप जब चलाएंगे तो काफ़ी स्टेबल आपको ये गाड़ी फील होने वाली है। बाकी आगे की जानकारी जो है मैं कुछ और वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी गाड़ी को ज़्यादा दिन ही नहीं हुए हैं, तो जैसे जैसे गाड़ी में चलाऊँगा तो आपको और भी जानकारी दूँगा। ये एक ओनर रिव्यू था छोटा सा, जिसमें मैंने शुरुआती कुछ चीज़ें इस गाड़ी के बारे में बताई है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी रहेगी आपके लिए। अगर आप इस प्राइस में और गाड़ी देखेंगे तो ये जो है थोड़ी सी आपको तो उनसे अच्छी बैठेगी, 21 ही बैठेगी अगर आप इस सेगमेंट की और गाड़ी को देखते हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था नई टाटा सफारी के बारे में, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।